यार, बोट एडोब्स वन एटी निकाल के बोर्ड ने हमें कंफ्यूजन में डाला है कि पंद्रह सौ रुपए इन्वेस्ट करके आपको बोट एडोब्स 181 लेना चाहिए या कि आपको जो सब आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है बोट एडोब्स 141 में जिसका प्राइस अप्रोक्सिमेटली तेरह सौ रुपए आपको वो कंसिडर करना चाहिए इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे सो हेलो एवरीवन दिस इज मोहित रिवन वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी चैक अगर आपको दोनों की बिल्कुल अनबॉक्सिंग रिव्यूज पर डिटेल्ड वीडियो देखना है सारे टेस्ट देखने हैं तो हमारे वीडियो लिस्ट इसमें आगे चेकआउट करके देख सकते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस फिर हम चेक करेंगे दोनों की बिल्ड क्वालिटी साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस और एंड तक पहुंचते पौस पहुंचते हम डिसाइड करेंगे ही करेंगे कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द लाइक बटन कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल कैन मेक मोर गुड स्टॉप फॉर यू ऑल सो लेट इट स्टार्ट सबसे पहले हम चेक करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस सो ये यू कैन सी कंपेरिंग द बोट योब्स वन फोर्टी वन विद बोट एडोप वन एटी वन वन फोर्टी वन में आपको ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंट वन मिलेगा 181 में आपको ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंट टू मिलेगा दोनों में ही आपको आईपीएस फोर वॉटर एंड स्वेट रजिस्ट्रेंट फीचर मिलेगा 141 में आपको एट एम mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे 181 में आपको टेन एम mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे एंड दोनों में ही आपको इंस्टेंट वे एंड पे टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड बीच मोड फॉर गेमिंग एक्सपीरियंस एंड ई एन एक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस बैटरी की बात करेंगे 141 में आपको अप्रोक्सिमेटली पांच से छह घंटे का प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज एंड ईयरबड्स के केस के साथ आप ईयरबड्स को फाइव टाइम्स अप्रोक्सीटली चार्ज कर सकते हैं एंड वन वन में आपको अप्रोसीमेटली तीन से चार घंटे का प्ले टाइम मिलेगा सिंगल चार्ज एंड चार्जिंग के साथ आप तीन से चार बार ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं एंड दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा बोट एयोप्स वन फोर्टी वन का प्राइस अप्रोक्सीमेटली तेरह सौ रुपए एंड बोट एयोप्स वन वन का प्राइस अप्रोक्सीटली पंद्रह सौ रुपए सो so यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों में अप्रॉक्सिमेटली दो सौ का फर्क है लेकिन आपको ज्यादा खास स्पेसिफिकेशन में फर्क देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत उन्नीस बीस का फर्क है दोनों में ही लेकिन आपको प्राइसिंग के हिसाब से दोनों में ही अच्छे बिल्कुल डेडिकेटेड स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे बात करेंगे लुक एंड फील की सबसे पहले हम पकड़ते हैं बोट एडोप वन फोर्टी वन को इसमें आपको बिल्कुल सूटकेस के शेप का ईयरबड्स का केस मिलेगा मैट फिनिश आपको ईयरबड्स केस में मिल जाएगा थोड़ा बल्कि है लेकिन पॉकेट फ्रेंडली उसको आप पॉकेट में तो आराम से कैरी कर सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं आएगी और प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाएगी ईयरबड्स केस में बात करेंगे बोर्ड इक्स वन के वन के केस की तो इसमें आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा पेबल शेप का ईयरबड्स का केस मिलेगा काफी ग्लॉसीनेस दी गई है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट एज कंपेयर टू वन फोर्टी वन एंड काफी लाइट वेट है इसमें भी आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर और दोनों के ईयरबड्स को केस ले के, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो वन की तरफ जाइए अगर आपको ग्लॉसीनेस चाहिए कॉम्पैक्ट पेबल शेप का तो आप वन एटी वन की तरफ जाइए एंड जो वन फोर्टी वन है उसमें आपको फ्रंट में चार बैटरी इंडिकेटर लाइट्स ही मिल जाएंगी तो एक प्लस पॉइंट देखा जाए वन फोर्टी वन में एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के ईयरबड्स की वन फोर्टी वन में बिल्कुल आपको प्रॉपर चैम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे लुक एंड फील अच्छा दिया गया है प्लास्टिक क्वालिटी इसकी भी आपको अच्छी मिल जाएगी एंड कानों को सही तरीके से सिक्योर तरीके से पैक करते हैं बिल्कुल आपकी जो सराउंडिंग आवाज है काफी कैंसिल हो जाएगी ईयरबड्स को लगाते से ही इसको आप डेफिनेटली सिक्योर तरीके से ईयर कब्स लगाएंगे तो आप वर्कआउट्स के टाइम रनिंग के टाइम जिम के टाइम यूज कर पाएंगे गिरने के चांसेस नहीं ईयरबड्स से कानों से बात करेंगे 181 के ईयरबड्स की इसमें भी आपको बिल्कुल प्रॉपर चैम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे काफी आपको बिल्कुल जो रिफ्रेशिंग कलर दिया गया है बढ़िया लगता है ईयरबड्स का ये भी सिक्योर तरीके से कानों को फिट करते हैं इसको भी आप डेफिनेटली के टाइम यूज कर पाएंगे लेकिन जो पैसे नॉइज कैंसिलेशन फीचर आपको ज्यादा बेटर मिलेगा वन में एज कम्पेयर टू वन एटी को अगर आप कानों में पैक करेंगे सही से तो बाहर की आपको एक्टिविटीज पता चलेंगे एक्जेक्टली क्या हो रही है आपके बैकग्राउंड में तो जो नॉइस कैंसिलेशन आपको ज्यादा बेटर मिलेगा में एज टू एंड दोनों में ही आपको टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे यू कैन प्ले पॉज आंसर कॉल रिजेक्ट नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक एक्टिवेट द वॉइस असिस्टेंट फीचर बीस मोड में एंटर कर सकते हैं दोनों में ही सब आप टच कंट्रोल्स के थ्रू ही कर पाएंगे एक्सेप्ट द वॉल्यूम वॉल्यूम पार्ट आपको दोनों में ही नहीं दिया गया वॉल्यूम आपको दोनों में ही मोबाइल के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की दोनों में आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड बीस्ट मोड और जो गेमिंग है यारन एट्टीन में मुझे इतना खास नहीं लगा मैंने आपको एक गेम टेस्ट भी दिया था इसके अनबॉक्सिंग में तो मुझे थोड़ा थोड़ा लैक फील हो रहा था अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हैं बीस मोड में एंटर करके तो ठीक है अगर आप डेडिकेटेड हार्ड गेमर हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक कदम आगे आप बेटर एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आपको कम लेटेंसी मिलेगी वन फोर्टी वन में एज कम्पेयर टू वन एटी वन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं सो गेमिंग परसपेक्ट में वन आगे है एज कम्पेयर टू वन एटी वन मोड ऑन करके दोनों में ही बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की लेकिन यहां तक आप पहुंच चुकी हो आपने लाइक नहीं किया है तो यार थैंक यू बात करेंगे म्यूजिक एक्सपीरियंस बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की 141 में आपको मिलने वाला है एट एम एम के डायनेमिक ड्राइवर्स 181 में आपको मिलेंगे टेन एम एम के डायनेमिक ड्राइवर्स और दोनों में ही आपको एडिकेट लाउडनेस मिल जाएगी बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं आप डिफरेंशियट नहीं कर पाएंगे एक्जेक्टली कौन ज्यादा लाउड है लेकिन जो बोलते हैं ना अप टू तो द मार्क क्लैरिटी और क्रिस् म्यूजिक एक्सपीरियंस बिल्कुल डिटेलिंग के साथ वो आपको दोनों में ही थोड़ा बहुत मिसिंग लगेगा जो वोकल्स की क्लैरिटी और इंस्ट्रमेंट का सेपरेशन है बिल्कुल अप टू द मार्क क्लैरिटी से आपको सुनाई नहीं देंगे दोनों में ही सेवेंटी टी परसेंट वॉल्यूम तक अगर आप दोनों को सुनेंगे तो आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा लेकिन दोनों को ही आप म्यूजिक में इक्वली रख सकते हैं मुझे ऐसे ज्यादा खास फर्क नहीं लगा म्यूजिक एक्सपीरियंस को लेकर दोनों में से ऑप्शन में रख सकते हैं बात करेंगे बेस की। अगर आपको ज्यादा बेटर बेस चाहिए तो आप की तरफ पावरफुल और सराउंडिंग बेस बोलते हैं वो थोड़ा मिसिंग लगेगा। अगर आप प्योरली ज़्यादा डेपनेस चाहिए सराउंडिंग बेस चाहिए तो 141 को मैं आगे साफ साफ एज कम्पेयर टू वन एटी वन इन बेस पार्ट बात करेंगे कॉलिंग की यार कॉलिंग हालांकि आपको दोनों में ही ई एन एक्स टेक्नोलॉजी मिलने वाली है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस लेकिन ई एन एक्स टेक्नोलॉजी दोनों में है आपको इक्वल एक्सपीरियंस मिल जाएगा इंडोर कंडीशन में आप कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं आउटडोर कंडीशन में सामने वाले को बैकग्राउंड काफी हद तक आएगी उसको पता चलेगा साफ साफ अब बैकग्राउंड में एक्टिविटीज क्या हो रही है सो नॉइजी एनवायरमेंट में आप तो सामने वाले को दिक्कत फेस होगी कॉलिंग को कलेगे दोनों ही ईयरबड्स में दोनों ही ईयरबड्स को मैं बिल्कुल कॉलिंग में इक्वली रखूंगा डीशल आपको कॉलिंग मिलेगी दोनों में ही ज्यादा खास कॉलिंग नहीं मिलने वाली है एज पर माई एक्सपीरियंस सो ये तो होगा सारे के सारे डिफ्रेंसेस मैंने एक्जेक्टली आपको बता दिया कौन किससे आगे है कौन किससे पीछे है कौन किस में किससे कंपीट कर रहा है एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछाएगा विच वन टू ऑफ फॉर सो देखा जाए दोनों के स्पेसिफिकेशन पार्ट है आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे उन्नीस बीस का ही फर्क ज्यादा फर्क नहीं है बट जो फर्क है वो एक्जैक्टली है लुक एंड फील का आपको किसका ईयरबड्स की ज्यादा पसंद है और बर्ड्स किसके ज्यादा पसंद है उस हिसाब से आप ऑप्शन में रख सकते हैं लेकिन अगर पर्सनली मैं डिसाइड करूँगा तो यार मैं ना सिंपल बता रहा हूँ थोड़ी बहुत